दोस्तों आपका स्वागत है फर्नीशिंग ब्रो पे। यहाँ पे आप जो फर्नीचर देख रहे हो, देखिए इस तरीके का फर्नीचर है। ये आपको नॉर्मली वुडन फर्नीचर लग सकता है, मगर ये वाला जो फर्नीचर है ये पीवीसी फर्नीचर है। लुक में देखने से आपको आइडिया नहीं आएगा। दोस्तों आजकल अगर देखें तो मेट्रो सिटी हो या तो फिर छोटे सिटीज हो, उसके अंदर आप 1 BHK, 2 BHK या तो फिर 3 BHK का फ्लैट लेते हैं तो ऑलरेडी इतना बजट हम स्पेंड कर देते हैं कि बाद में जब फर्नीचर की बात आती है तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि कितने रुपये का फर्नीचर करवाए, वुडन फर्नीचर करवाए या तो फिर कोई और ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब वुडन का कोटेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा है, तो दूसरे ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल रहते हैं। उसके अंदर बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो है पीवीसी फर्नीचर। दोस्तों वुडन की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधे दाम में, आधे बजट के अंदर पीवीसी फर्नीचर कंप्लीट हो जाता है और उसका लुक भी इस तरीके का लगता है। वुडन की कंपैरिजन करें तो वुडन की कंपैरिजन में सेम लुक देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीवीसी फर्नीचर के अंदर कौन कौन से टाइप्स के आते हैं, उसका बेनिफिट क्या रहता है, उसका अप्रोक्स कॉस्टिंग क्या होता है, डिजाइंस किस तरीके के अवेलेबल रहते हैं, किन किन लोगों को इस तरीके का पीवीसी फर्नीचर करवाना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पीवीसी फर्नीचर के अंदर बेसिकली अगर देखें तो 2 टाइप्स के पीवीसी फर्नीचर आते हैं। एक आता है इस तरीके का होलो, देखिए इसके अंदर इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ होता है, अंदर से होलो होता है, और दूसरा आता है सॉलिड, देखिए इस तरीके का होता है, सॉलिड होता है, इसके अंदर कोई भी गैप्स वगैरह नहीं होते। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पीवीसी फर्नीचर है। इन दोनों में से बेटर कौन सा है वो देखें तो होलो वाला जो पीवीसी है वो बेटर रहता है एज कम्पेयर टू जो सॉलिड आता है। उसका रीज़न यही रहेगा, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर स्क्रू वगैरह भी फिट करने के लिए स्क्रू वगैरह लगते हैं, तो इसके अंदर इंजिस पट्टी आती है इस तरीके की, वो यहाँ पे देखे यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रू लगता है। तो स्क्रू लगाने के बाद अगर इन फ्यूचर स्क्रू निकल गया है वापस फिट करना है तो इसके अंदर आप फिट कर पाओगे। ऑलमोस्ट 4 to 5 times आप इसके अंदर स्क्रू को निकाल के वापस फिट कर सकते हो। मगर इस तरीके का जो सॉलिड पीवीसी है इसके अंदर अगर स्क्रू एक बार लग गया है और इस ये स्क्रू अगर निकल जाता है और वापस लगाने का जब टाइम आता है तो प्रॉपर इसके अंदर स्क्रू नहीं लगेगा। तो यही रीज़न है कि बेटर ऑप्शन रहेगा होलो पीवीसी। और इसका जो फ्रेमिंग आता है, देखिए जहाँ पे ये लगता है ये पूरा डोर है या तो फिर पीवीसी फर्नीचर, तो ये जो फ्रेम आती है वो इस तरीके का होता है। फ्रेम के अंदर वुडन की लकड़ी इसके अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि यहाँ पे जब ये वाला मटेरियल लगाते हैं यहाँ पे तो स्क्रू वगैरह प्रॉपर लगे। एक बार स्क्रू लगाने के बाद भी निकालने के बाद वापस लगाना है तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसका पूरा फिटिंग होता है। तो ये होलो पीवीसी वाला जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया वो बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पीवीसी। दोस्तों जब होलो पीवीसी फर्नीचर इंस्टॉल होता है तो लुक के अंदर अट्रैक्टिव लगता है। वुडन की अगर कंपेयर करें तो वुडन जैसा ही लगता है, दूर से अगर देखते हैं तो पता ही नहीं चलता ये वुडन है या पीवीसी फर्नीचर है। तो इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं, इसका फिनिश अलग अलग आता है। फर्स्ट अगर देखें तो ग्लोसी फिनिशिंग आता है और दूसरा आता है मैट फिनिशिंग। मैं आपको अलग अलग इसके अंदर डिज़ाइन दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला ग्लोसी यानी कि शाइनिंग वाला होता है। देखिए इस तरीके का, देखिए इसके अंदर अलग अलग इस तरीके के डिज़ाइंस होते हैं, इसको अलग अलग कंपनीज बनाती है। देखिए ये ग्लोसी फिनिश है पूरा शाइनिंग वाला। देखिए इसके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज़ आती है, मगर यहाँ पे इतने डिज़ाइंस मेरे पास थे तो मैंने आपको दिखाया। आमतौर पे ग्लोसी शाइनिंग वाला जो पीवीसी फर्नीचर है वो कम यूज़ होता है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं मैट फिनिश वाला, क्योंकि मैट फिनिश वाला जो फर्नीचर होता है उसका फिनिशिंग प्रॉपर लगता है और रियल लगता है एज़ कम्पेयर टू ये शाइनिंग वाला जो फर्नीचर है उसके कंपैरिजन में। तो अभी मैट फिनिश वाली डिज़ाइंस देखते हैं। देखिए इसके अंदर इस तरीके की डिज़ाइंस होती है, देखिए पूरा मैट फिनिश है। लोग अपने पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर। देखिए ये वुडन फिनिशिंग वाला है,
ये मार्बल फिनिशिंग है पूरा। इसके अंदर बहुत सारे डिजाइंस वगैरह होते हैं अलग अलग कंपनी के। तो जब देखते हैं तो लगता है नहीं है कि ये पीवीसी है, प्लाई ही लगेगा। देखिए ये पूरा सनमई का टाइप जो आता है, देखिए ये भी वुडन फिनिशिंग में। आमतौर पे वुडन फिनिशिंग जो होता है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो ये कुछ डिज़ाइंस मैंने आपको दिखाए मैट फिनिश के अंदर। तो दोनों फिनिश अवेलेबल रहते हैं जो भी पीवीसी फर्नीचर का काम करते हैं उसके पास, तो दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मगर ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगा वुडन डिज़ाइन वाला जो फिनिशिंग था वो मैट फिनिश के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे तो लुक में ज़्यादा बेटर लगेगा। दोस्तों अगर पीवीसी फर्नीचर के अंदर ब्रांडेड कंपनी देखें तो दो कंपनी में ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, एक है काका और दूसरी है रियल। ये दोनों कंपनी के जो मटेरियल आते हैं वो क्वालिटी आते हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनीज इस तरीके के मटेरियल्स बनाती है, तो एक बार आपको इसकी क्वालिटी देख लेनी है, बाद में ही इसको परचेस करना है। दोस्तों पीवीसी फर्नीचर के बेनिफिट देखते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी देखते हैं। अगर इसके बेनिफिट देखें तो इसके ऊपर वेदर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि बारिश की अगर सीजन्स मॉइस्चर की अगर सीजन चल रही है तो वुडन की लकड़ी में क्या होता है कि थोड़ी बहुत लकड़ी फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, मगर इसके ऊपर वेदर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि इसके ऊपर आप पानी डाल के भी इसको वॉश कर पाओगे, ये वाटर प्रूफ ही रहता है। इसके पीवीसी का मटेरियल तो कुछ होने वाला नहीं है एज कम्पेयर टू वुड। दोस्तों वुडन के अंदर छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं जिसको उधी भी कहते हैं, तो वो कीड़े होते हैं तो पूरे घर के अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह लगवाना पड़ता है, तो इसके अंदर कीड़े होने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो जहाँ पे कीड़ों का इश्यू आ रहा है लकड़ी के अंदर, वहाँ पे तो उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड रहेगा पीवीसी। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा। डिसएडवांटेजेस इसका मेन यही रहेगा, देखिए यहाँ पे हैंडल वगैरह लगाए हुए हैं। देखिए अगर छोटे बच्चे हैं, ये हैंडल खराब होता है यानी कि ये निकल जाता है यहाँ से, तो वापस ये फिट तो हो पाएगा मगर इतना प्रॉपर फिनिशिंग लेना मुश्किल रहेगा इस तरीके के हैंडल वगैरह पीवीसी के अंदर लगाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे भी स्क्रू दिया हुआ है, तो अगर ये टूटता है यहाँ से, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है खींचते वक्त, अगर छोटे बच्चे हैं तो ये दिक्कत ज़्यादा आएगी, तो वापस इसको फिट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, इतने ज़्यादा केयर नहीं कर पाते फर्नीचर की, तो ये वाला फर्नीचर मैं आपको थोड़ा कम रेकमेंड करूँगा, तो लकड़ी यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये पीवीसी का ही पूरा सीट है, ये मतलब टूटता नहीं है, हाईली मतलब मजबूत प्रॉपर आता है। देखिए इसके ऊपर कोई वैसे इफेक्ट नहीं होता है नॉर्मली, तो देखिए इस तरीके का मटेरियल आता है। दोस्तों जो पीवीसी फर्नीचर करते हैं तो अंदर का जो मटेरियल यूज़ होता है, मटेरियल यानी कि देखिए यहाँ पे जो मार्बल यूज़ किया है, देखिए तो मार्बल यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ये वाली सीट यूज़ करने का कोई मतलब इतना बनता नहीं है, ये वाला सीट यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मार्बल यूज़ करेंगे तो कॉस्टिंग वाइज भी कम होगा और लाइफ वाइज देखें तो भी अच्छा ही रहने वाला है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे 12 mm का मार्बल यूज़ किया है, 10 टू 12 mm का मार्बल आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके के अंदर का जो स्पेस है उसको मैनेज करने के लिए। यहाँ पे पूरा मार्बल ही यूज़ किया हुआ है, देखिए तो मार्बल यूज़ करने का बेनिफिट बेसिक यही रहेगा कि कॉस्टिंग वाइज कम हो जाएगा। मार्बल है वो वुडन या तो फिर पीवीसी की कंपैरिजन में सस्ता होता है, तो ये वाला यूज़ करें ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों ये किचन का फर्नीचर है, देखिए लुक में इस तरीके का लग रहा है। अभी वैसे यहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा है, देखिए पूरा किचन का ही फर्नीचर है। ये देखिए यहाँ पे बास्केट दिए हुए हैं, ये भी पूरे पीवीसी के ही है। तो दोस्तों वैसे देखे तो लुक में डायरेक्टली आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि ये वाला पीवीसी है,
वुडन नहीं लगेगा लुक में तो। दोस्तों हमारे साथ अमित जी है जो कि पीवीसी फर्नीचर के बिजनेस से कनेक्टेड है, उसका बिजनेस है पीवीसी फर्नीचर का। उससे हम जानना चाहते हैं कि पर स्क्वायर फीट का इसका कॉस्टिंग कितना आता है विथ लेबर। 350 से 400। ओके, तो 350 रुपीज से लेके 400 रुपीज तक का इसका कॉस्टिंग आता है पीवीसी, होलो पीवीसी जो मैंने आपको बताया था उसका विथ लेबर। तो मतलब टोटल कॉस्टिंग 350 से लेकर 400 पर स्क्वायर फीट का रहेगा पीवीसी के अंदर। एज कम्पेयर टू अगर वुडन के साथ कंपेयर करते हैं तो वुडन का कॉस्टिंग कितना आता है? ओके, अगर वुडन में करते हैं तो ऑलमोस्ट 600 रुपीज से लेके 900 रुपीज तक का रेट रहता है वुडन में करते हैं तो एज कम्पेयर टू वुडन फर्नीचर पीवीसी फर्नीचर है वो कॉस्टिंग वाइज बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो जिन लोगों को बजट फर्नीचर करवाना है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा पीवीसी फर्नीचर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको पीवीसी फर्नीचर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अमित जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, आप वहां से डायरेक्टली अमित जी के साथ बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अमित जी से उसका सॉल्यूशन ले सकते हो।